रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कल अचानक दिल्ली रेड डेविल्स के ड्रेसिंग रूम में चले गए महेंद्र सिंह धोनी और इन दो रोते हुए खिलाड़ियों को लगा लिया अपने गले। धोनी आईपीएल 2018 चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली रेड डेविल्स के बीच में आईपीएल 2018 का एक और बहुत ही रोमांचक मैच कल पुणे में खेला गया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मैच जीत तो लिया, लेकिन दिल्ली रेड डेविल्स के दो खिलाड़ियों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों ने निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी का भी दिल जीत लिया है। आइए आपको बताते हैं कि कल मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली के किन दो खिलाड़ियों को अपने गले लगा लिया है। धोनी आईपीएल 2018 चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच के अंदर 20 ओवरों में 211 रनों का एक बहुत ही बड़ा और विशाल लक्ष्य खड़ा किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने कल जिस तरीके से बल्लेबाजी की है तो उसको देखकर हर कोई हैरान था। 231 की स्ट्राइक रेट से महेंद्र सिंह धोनी ने मात्र 22 गेंदों में 51 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पारी में 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन जब दिल्ली रेड डेविल्स बल्लेबाजी करने आए तो शुरुआती झटकों से दिल्ली रेड डेविल्स की टीम उभर ही नहीं पाई। दिल्ली रेड डेविल्स की टीम में 198 रन बनाए और दिल्ली ने मात्र 13 रनों से यह मैच हारा है। दिल्ली रेड डेविल्स के दो युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत और विजय शंकर ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। ऋषभ पंत ने तो कल मैच में कमाल की बल्लेबाजी की है। इस बल्लेबाज के आगे तो एक बार को महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी भी फीकी नजर आ रही थी। ऋषभ पंत ने कल 45 गेंदों के ऊपर 79 रन बनाए हैं। इन्होंने मैच में 4 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके लगाए। महेंद्र सिंह धोनी इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए।